अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। ठीक ठाक होंगे उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होंगे और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी सी देरी हो गई लेकिन मैंने अनाउंस किया था कि आज का ये लाइव फीड बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हमें मुनाफिक के हीरो यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, और मुनाफिक के वो हीरो जिन्होंने हमें बहुत रुलाया भी एंड पे आते आते, और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंटी, बहुत ही फुल माहौल था उनका वहां पे। यानी कि नन अदर देन बिलाल कुरैशी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। एंड प्लीज इग्नोर माय हेयर स्टाइल बिकॉज ये ऑल ऑफ लॉकडाउन के सैलॉन्स चूंकि बंद हैं, तो मैं अपना हेयर कट नहीं करवा पा रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जनाब हमें चंद लम्हों के बाद ज्वाइन करने वाले हैं हमारे मुल्क के शानदार एक्टर यानी कि हमजा। बिल्कुल जनाब हमजा हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बिलाल कुरैशी, और आप उनसे कोई भी सवाल कर पाएंगे और उनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे मुनाफिक के बारे में, उनके बाकी ड्रामों के बारे में। और आई एम श्योर आप इनकी बातों को इसलिए इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि वो हैं ही इतने अच्छे और उनकी एनर्जीज बहुत आला होती हैं, और वो इतनी आला होती हैं कि आप फिर इंजॉय भी करते हैं, राइट। तो जनाब थैंक यू फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू बिलाल पाक ड्रामा अपडेट। जनाब वो लम्हा आने वाला है, हमें अब ज्वाइन करने वाले हैं हमारे मुल्क के मायनाज सुपरस्टार जिनका ड्रामा मुनाफिक कल खत्म हुआ, और क्या शानदार एंडिंग हुई है कि मजा आ गया। उनको हम ज्वाइन करेंगे यानी कि हमजा को चंद लम्हों के बाद। आई थिंक ही इज ऑन द स्पॉट, या बिलाल कुरैशी जो हैं वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, लाइव ऑन एयर आपके साथ होंगे वो, और बहुत ज्यादा हम इंजॉय करेंगे। सो बिलाल अगर आप प्लीज काइंडली कैन यू सेंड मी द रिक्वेस्ट, तो मैं आपको फिर एक्सेप्ट करके उस पर लेके आता हूँ, बिकॉज मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना नहीं आता उस पर, लेकिन आई जस्ट कैन यू जस्ट डू मी अ फेवर, थैंक यू सो मच। तो जनाब लाइव आने वाले हैं बहुत ही शानदार एक्टर, कमाल हीरो, कमाल एक्टर, सुपरस्टार बिलाल कुरैशी। एक जमानों के बाद मैं उनके साथ लाइव आ रहा हूँ आज, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। सो जनाब बिलाल कैन यू जस्ट सेंड मी रिक्वेस्ट हियर, सो आपको मैं फौरन लाइव लेकर आऊँ, बिकॉज मुझे वैसे ही आइडिया होता है इस चीज का कि हमने कैसे वो लाइव करना होता है। तो जनाब बहुत से लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू फरिया, थैंक यू फरहत राणा, बशीर मलिक आवान, जूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। और हम इंतजार कर रहे हैं अपने हीरो का कि जैसे वो हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं सो हम उनको लाइव लेकर आते हैं। जूबी कह रही है जैजी भाई आप कैसे हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। सब लोग ठीक ठाक हैं, दानिश दिया है, and we have with us so many people. Bilal you are too goody, oh my god. Nausheen Zeeshan, kya baat hai Nausheen, aapki chhaye pade hain aap log. Aur Danish diya hai, everyone shukriya join karne ka. Aur mujhe abhi bas ek minute main live lata hu unko, kyunki mujhe apna ek signal dekhna hai. Bahut zyada wait kar rahe hain impatiently. Chalo kya baat hai, kya baat hai. सलाम लाहौर की जान, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम कुलतसिफ, कैसे हैं आप। क्या बात है जी आपकी, क्या बात है हमारे सुपरस्टार की। और बिलाल कुरैशी ने अभी हमें मेंशन कर दिया है अपनी स्टोरी में, दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली। सो बस अब मेरे ख्याल में वो आने ही वाले हैं हमारे साथ, और वी आर ऑलरेडी हेयर फॉर बिलाल, क्या बात है आपकी, बहुत आला। एंड जूबी हैं, नसीम हरीबा हमारे साथ हैं, जीशान लिब्रा, अली लिब्रा हमारे साथ हैं, एंड सादिया खान अली जई हमारे साथ हैं। इनको प्लीज जरा हमारी स्टोरी पे लगा दो, मेरी स्टोरी पे लाइव लगा दें इनको प्लीज। कमाल यूसुफ हमारे साथ हैं, और यूसरा हैं, बिलाल बस आने वाले हैं, डोंट यू वरी। देखें सुपरस्टार्स जब लैंड करते हैं तो उनका थोड़ा इंतजार तो बनता है, बस शेयर कर दें। लाहौर बर्बाद हो गया आपके जाने के बाद, खुरम आपने जो मेरी तारीफें करते हैं ना, मेरा दिल जो है वो यूं ऊपर आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम मुझे इतना मान देने का, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का, इस मान का। यू आर अमेजिंग फ्रेंड, और आप बहुत अमेजिंग हो, पता है हमें भी इस बात का। सो जनाब हसन लोधी हमारे साथ हैं, जूनी हैं, फरीहा यूनुस हैं, और ट्रिंडा गेमिंग हमारे साथ हैं, बशीर मलिक आवान हैं। आप ये पूरा इंटरव्यू जो है इसके बाद यूट्यूब पे भी देख पाएंगे मेरे चैनल पे, यानी कि इजाज़ वारिस पे हम इसको पूरा अपलोड करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। हम ये पूरा इंटरव्यू अपलोड करेंगे, काफ़ी टाइम बाद देखा, इसलिए देखा कि आप आते नहीं हमारे पास, आज तो आप आ गए बिलाल की वजह से हमारे पास। हाँ अच्छा जी खुरम गुलतसिफ, क्या बात है, क्या बात है आप लोगों की।
ओके जनाब, क्या बात है आप लोगों की। रिक्वेस्ट मुझे अभी मिल नहीं रही उनकी, बिलाल की। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आगे आगे चलो, मैं करता हूँ आपको ऐड। वेटिंग फॉर बिलाल कुरैशी, मेरी हेल्प की मेरे बेटे ने ये लाइव सारा करने में, उसका जो था रिक्वेस्ट के चक्कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, व्हाट्स अप जेजी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एंड द सुपरस्टार इज राइट हियर। और आज हम सब बहुत एक्साइटेड हैं बिलाल, क्योंकि आप हमारे साथ। वेल वेल वेल, ये तो नहीं पता सुपरस्टार हैं या नहीं है, लेकिन ये पता कि जब बेकार थे तब भी इजाज वारिस जो है हमेशा हमारे साथ थे, और ही ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। तो आज इन्होंने जब कहा तो हमने कहा हाजिर है जी, आपको तो नाम कर ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच बिलाल कुरैशी। पर एक बात बताऊं स्टार्ट में, कल के हमारे आंसू की कीमत कैसे देंगे आप? कल जो लाया आप देखे जी, एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, तो जिन आंखों से आंसू निकले हैं उन आंखों पे प्यार ही कर सकते हैं। आप देखिए मेरी आंखें सूजी हुई हैं अभी तक। नहीं नहीं, ये मैंने जो कहा मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए कहा है। आई नो, मैं मजाक कर रहा था। नहीं यार, वो अगर आंसू निकले तो दैट्स द सक्सेस, और अगर नहीं निकलते तो फिर हम लोग रह जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, यकीन करें हम लोग एडिक्टेड थे फॉर दिस प्ले, और हमारी शाम को 7 से 8 की स्लॉट काफी एम्प्टी हो गई है, बहुत खाली खाली हो गई है मुनाफिक के बिना। बट यू नेल्ड इट यार, थैंक यू सो मच ब्रदर। एक्चुअली इसीलिए आज, अरे क्या हाल है, कैसे हैं? ये अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला है, बुला गया हूं। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बेटा? ठीक ठाक है, वो ठीक ठाक है। आप बताइए मुनाफिक की बात। अब मैं ये कह रहा था कि इसीलिए आज, क्योंकि पर्सनली मैं भी बड़ा मिस कर रहा था, क्योंकि ये जो कनेक्शन था ना मुनाफिक का, ये डेली बेसिस पे था। लाइक आप यकीन करें जैसी कि मुझे डेली मेरे इंस्टा फेसबुक इनबॉक्स कमेंट सेक्शन हर जगह, हर सीन के ऊपर, हर रिएक्शन के ऊपर, हर फील के ऊपर मुझे रिस्पॉन्स आया है। तो बड़ा एक कनेक्टिविटी चल रही थी, क्वारंटाइन भी है आपको पता है, वी ऑल आर मोस्टली फ्री, तो वो एक बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और कनेक्शन बन गया था टुवर्ड्स माय फैंस एंड माय फॉलोअर्स, कि बड़ा वो रोज का हम डिस्कशंस में थे कि आज ये हुआ कैसे हुआ कब। तो मैं खुद बड़ा फील कर रहा था, तो रात को एकदम मुझे ख्याल आया कि यार 7 बजे तो सब मुनाफिक को मिस करेंगे। दैट्स व्हाई आई थॉट कि दैट्स द राइट टाइम टू कम ऑन लाइव एंड से थैंक यू टू एवरीवन। सो दैट्स व्हाई मैं भी अपने पेज से 7 बजे जो है वो मुनाफिक टाइम पर ही मैं लाइव। नहीं बिल्कुल, देखे मैंने 2 घंटे आप लाइव थे अपने तमाम वो फैंस के साथ। यार ये प्यार, ये इट्स जस्ट द लव एनर्जी। या एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बिलाल एक बात बताएं कि मैंने एक बात नोट की है मुनाफिक में, क्या हेयर स्टाइल है, क्या अंदाज है, क्या ड्रेसिंग है, आपने हर चीज पे वर्कअप किया हुआ था। मतलब लग रहा था कि बंदा जो है ना कि फुल, मतलब पूरी होमवर्क के साथ आता है हर सीन के पॉइंट पे, है ना? मैं नोट किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता, यू नो मी फॉर लॉन्ग, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूं। ये प्रोजेक्ट इट हैपेंड टू मी एक्सीडेंटली, ठीक है? सम अदर एक्टर वाज सपोज्ड टू डू दिस कैरेक्टर। रियली? ये सरप्राइज किया आपने? दैट्स द न्यूज। या और समहाउ वो सेट पर भी आ गया, सब कुछ हो गया, समहाउ कुछ चीजें जो हुई यानी व्हाट सो एवर, सो आई गेट कॉल फ्रॉम असद कुरैशी, असद भाई, and Asad bhai is the producer Seventh Sky Entertainment, and he is like a brother to me, I respect him, I have a great regard for him. Unhone mujhe kaha ki bhai ye character hai aur ye project hai aur ye karna hai, maine bina kuch puche yes kar diya. Wah, kuch log hote hai na jaise ab aapne mujhe kaha ki ji aana hai, to I didn't ask you anything, I said yes. Thumbs up, thumbs up. Yeah. So because mujhe un par tha ki yaar ye banda jo hai na, I mean he always gave me the best of my career. Isse pehle maine azan kiya tha aur bhi kafi Seventh Sky ke 4-5 projects kar chuka hu, to main is project mein particularly taiyari ke bagair aaya, kyunki recording ek mahine se shuru ho chuki thi, sare actors sab everyone in their character, main ekdam se tapka set pe. Ha, राइटर से मैंने एक बार था बिफोर आई गो टू सेट, मैंने राइटर से पूछा मैसेजेस में, उसने कहा कि हमजा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस,
और मैंने कहा ठीक है. फिर डायरेक्टर ने मुझे थोड़ा अच्छे से ब्रीफ कर दिया, समझा दिया, आई कंसीव्ड इट. तो मैंने बड़ा रैंडम प्रेपरेशन की थी, इट्स नॉट प्रॉपर प्रेपरेशन. ठीक है. सो बट इट हैपेंड सो वेल, इट वेंट सो वेल, आई एम ग्लैड. तो बस वो अल्लाह जिनू पागला वे. हाँ नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन सीरियसली यकीन करें कि मैं हम लोग बहुत ये कहते हैं कि अब क्या बनेगा, क्या एनी प्लान्स फॉर सीजन 2 आल्सो और नो? नो नो, एक्चुअली कोई चीज अगर इतनी अच्छी रिस्पॉन्ड आ जाए, इतना अच्छा फीडबैक आ जाए, फिर मेरे ख्याल से कभी भी उसका सीजन 2 नहीं होना चाहिए. क्योंकि सीजन 2 जो होता है ना, दो नंबर चीजें वैसे भी नहीं ज्यादा देर चलती. ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा मुझे आप बताएं कि बहुत सारे आपने सीन्स किए इस ड्रामे में, अनगिनत सीन्स हैं, इतने एपिसोड्स हैं, सबसे मुश्किल सीन कौन सा लगता है? कि आई मीन यू नो जो मेरा बन जाता हूँ, जो मेरा था ना फेवरेट सीन आपका, मुश्किल जो लगा जैसे आपने बातें कमाल की, जिसमें आप जाते हैं फातिमा के पास, वो आयतें पढ़ती हैं, दैट वाज फेनोमेनल. अच्छा जैसी मजे की बात बताऊं आपको, एक्चुअली मुनाफिक का जो टर्न ओवर हुआ है ना, एकदम से जो हाइप बिल्ड हुई है और एक क्रेज क्रिएट हुआ है, वो उसी सीन के बाद हुआ है. एक्जेक्टली, दैट वाज द पंच सीन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है ना, वेयर अ डेविल टर्न्स इनटू एन एंजल. बट मैं अब आपको बड़ा मजे का इंसिडेंट सुनाता हूँ कि जब हमने ये सीन शूट किया, तो जब सीन हुआ और आपको पता है जिस तरह मास्टर टेक होती है और सारा कुछ, तो वहां सेट पे तालियां बजी. वाह, हमने क्लैप किया कि वाह वाह वाह, यू बोथ डिड ब्रिलियंट, और बड़ा सब एक्साइटेड और खुश. मैं सीन करने के बाद बिल्कुल ना चुप हो गया. आई वेंट इनटू द साइलेंस मोड एंड आई सेड इट टू द डायरेक्टर एंड द डीओपी कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर हो गया. अच्छा, मुझे पर्सनली फील हुआ. मैंने कहा इट शुड हैव बीन लिटिल लो. फिर डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप, उसका डिसीजन था, उन्होंने कहा कि नहीं परफेक्ट. मैंने कहा ठीक है. तो मैं बड़ा कॉन्शियस था इस सीन को लेकर कि जब ये ऑन एयर आएगा तो पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा. बट वही बात हो गई कि कभी कभी हम जो देख रहे हैं, सोच रहे होते हैं, लाजमी नहीं कि वही ठीक हो, क्योंकि जो पब्लिक है वो सब जानती है. सो जब ये सीन ऑन एयर हुआ, इतना वायरल हुआ, और इसके बाद ही मुनाफिक की जो हाइप है वो यू नो टच्ड द स्काई. आपकी आवाज तो अच्छी है मेरी जान. नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ लाइव वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी एको कर रही है. एको तो आप बचपन से कर रहे हैं. आपकी यही बातें जो है ना वो जान बना देती है बच्चों की. अगर आप मुझे इजाजत दें तो कहने कम अगेन लाइव एक मिनट के बाद देख लें. अगर आपके फॉलोअर्स अगर नाराज ना हो मेरी तरफ से तो इजाजत, मैं तो वेला आदमी हूं, कोई काम नहीं करने में. मैं दोबारा आता हूं ताकि सुकून से स्मूथ जाए. चलिए ओके, थैंक यू.